हेलो दोस्तों, तो आज मैंने गुरलीन के लिए बनाया है स्पेशल मोमोज जो उसे बहुत पसंद है। और चलिए देखते हैं उसका रिएक्शन कि क्या वो मोमोज देखकर कितनी खुश होती है। गुरलीन जी मम्मा आ जा। तो आज बने हैं मोमोज गुरलीन के लिए, ये लो। अच्छा मम्मा, आपने मोमोज तो बना दिए पर इसमें मेयोनीज कहाँ है? मेयोनीज नहीं बेटा, मेयोनीज अनहेल्दी होती है ना, रेड चटनी इसके साथ खाओ। नहीं मम्मा, मैं मेयोनीज के बिना नहीं खाऊंगी, मैं जा रही हूँ। अरे गुरलीन सुन तो सही। नहीं मम्मा। तो बिना मेयोनीज के ये मोमोज नहीं खाने वाली। तो चलिए अब हम इसके लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो दोस्तों आज बनाएंगे 1 मिनट में बनने वाली हेल्दी वाली मेयोनीज। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने काजू ले लिए थे, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए थोड़े गर्म पानी में भिगो दिया था। 1 मुट्ठी काजू हैं। अब ये काजू हम इसमें डालेंगे। लहसुन की सिर्फ 1 कली, ध्यान दीजिएगा, लहसुन की सिर्फ 1 कली डालिएगा, उससे ज़्यादा नहीं हमें इसमें डालनी। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है, फ्रेश पनीर। पनीर को इस तरीके से हाथों से तोड़कर इसमें डाल देंगे। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। दोस्तों ये एकदम फ्रेश दही है, खट्टी नहीं है और साथ ही ये हंग कर्ड भी नहीं है, नॉर्मल दही है जो हम हमेशा घर में इस्तेमाल करते हैं। इससे कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्टली मैनेज हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आधा टीस्पून आप इसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। बस इन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से आपकी हेल्दी वाली मायोनीस बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों अक्सर हम मार्केट से जो मायोनीस लेते हैं ना, या तो वो एगिटेरियन होती है या तो फिर उसमें बहुत सारा ऑयल होता है, इवन 90% ऑयल ही होता है। बच्चों के लिए वो अच्छी नहीं है। तो डेफिनेटली आप इस तरीके से बनाइए। अगर आपको पेस्ट थोड़ी गाढ़ी लगती है ना, तो 2 बड़े चम्मच आप इसमें दही और ऐड कर लीजिए। उससे क्या होगा, इसकी कंसिस्टेंसी मैनेज हो जाएगी। और उसके बाद आप इसे स्टोर कर फ्रिज में रखकर 1 हफ्ते तक बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। इसे आप एज अ सैंडविच स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं, एज अ साइड डिप यूज़ कर सकते हैं, मोमोज के साथ एज अ मेयोनीज यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी एंड कमाल का है, ट्रस्ट में मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आता है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। आप डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो याद है ना क्या करना है, चैनल को फॉलो करना है, मुझे कमेंट करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। बाय।